बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाजिया के पकवान। कैसे हैं सब? आज आपके साथ कच्चे कीमे के मटन के कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही मॉइस्ट, जूसी और नरम बनेंगे। अगर आपके कबाब हार्ड हो जाते हैं तो आप इस रेसिपी को ज़रूर यूज़ कीजिए, ताकि कबाब आपके बहुत मज़ेदार बने। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आधा किलो मैंने मटन का कीमा लिया है, इसको हमने मज़ीद चॉप करने के लिए एक चॉपर की मदद ली है, और मैंने इसमें ब्रेड क्रम्स भी थोड़ा सा ऐड कर लिया है, और चॉप की हुई प्याज भी इसमें ऐड कर ली है। अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें ऐड किया है, और 3 से 4 अदद मैंने हरी मिर्चें भी इसमें डालकर इसको अच्छी तरह चॉप कर लिया है, जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। कीमे को अच्छी तरह चॉप करने के बाद मैंने एक बाउल में इसको निकाल लिया है, और इसमें हरा धनिया मैंने ऐड कर लिया है। 1 टीस्पून मैंने नमक का ऐड किया है, 1 टीस्पून मैंने चिली फ्लेक्स का ऐड कर लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है, 1 टीस्पून मैंने पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया है, 1/2 टीस्पून मैंने सूखा धनिया पिसा हुआ इसमें ऐड कर लिया है, और इसको चम्मच की मदद से आप अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे, जैसा कि मैं आपको करती हुई दिखा रही हूँ। आप चाहें तो हाथ की मदद से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। मसाला बनाने के बाद हमने कबाब बनाने हैं। हाथ की हथेली में मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है, और मीडियम साइज़ की हमने कबाब बनाने हैं, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। इसको अच्छी तरह हम राउंड शेप में बनाएंगे, ताकि ये टूटे नहीं। कबाब रेडी हो चुके हैं, अब इनको हमने डीप फ्राई करना है। एक नॉन स्टिक मैंने पैन लिया है, इसमें मैंने ऑयल गरम कर लिया है, और 1 by 1 हमने कबाबों को इसमें फ्राई करना है। ये ख्याल रहे कि मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इनको फ्राई करना है। अगर हम हाई फ्लेम करेंगे तो ये फौरन जल जाएंगे और कीमा अंदर से कच्चा रह जाएगा। 6 से 7 मिनट के बाद हमने इनकी साइड को चेंज करना है। साइड चेंज करने के बाद हमने 5 मिनट इनको और पकाना है। कबाब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, अब इनको हम डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह, कबाब बहुत जूसी और नरम बने हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल शाजिया के पकवान। अल्लाह हाफिज़।